हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ हैं मेरा दोस्त अर्जुन। इनका भी अपना BTR अर्जुन के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं स्पेशली बता दूं कि इस वीडियो में अर्जुन भाई का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। और दोस्तों, अर्जुन भाई की बाइक है जिसका नाम इन्होंने टाइगर रखा है, और इनको चोट लग गई थी कल, तो आज बाइक मैं चलाऊंगा। और हम इस पे ना जाके आज हम उस बाइक पे जाएंगे बाइक साफ करके। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमें हमारी मंजिल दिखाई देते हुए, और हमें वहाँ उस टावर तक पहुँचना है। दूर से ही हमें वो दिखने लग गया है। और ये हम टावर के बैक साइड पार्किंग एरिया में पहुँचते हुए, अर्जुन भाई ये तो कोई क्रिकेट ग्राउंड लग रहा है। चलो यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं, फिर देखते हैं। बाकी हमें टावर तो दिख ही गया है, हमें वहाँ तक जाना है। शायद हमें इस क्रिकेट ग्राउंड से होते हुए जाना पड़े। हेलो एवरीवन, हम यहाँ अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम लग रहा है, तो लेट्स देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज उधर से, इधर से अर्जुन, वैसे आप यहाँ हैं तो ये पीछे एक बैकग्राउंड में क्रिकेट का ग्राउंड है। हाँ, बारिश है ना, पूरा जो है मोटी बूंदी है। हाँ अच्छा, ये देखो यहाँ पानी है कि गिरोगे तो कोई दिक्कत। क्या कुदा दिया गया भाई?
अभी कहाँ अभी कहाँ से आया अभी खड़े करेंगे आ जा आ जा। कितना मीटर है भाई ये? भाई होगा 50-60 तो होगा ही। 50-60 कितना तो होगा ही? 50-60 क्या? कितना मीटर होगा ये? 60 मीटर। 60 है? हाँ। चला उधर। तीनों जंप करोगे आप? दो कूलर तो कर चुका पहले ना। अच्छा। ये दोस्तों ऊपर से 60 मीटर आपको, ये नीचे वहाँ से जंप करके आपको 60 मीटर, ये यहाँ नीचे नीचे, ये इन्होंने पानी का एक वो भी बनाया हुआ है जिससे अगर कुछ भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाए तो आप नीचे पानी में ही आके रहेंगे, तो इट मे बी सेफ। बाकी देखते हैं हाइट पे चढ़ के क्या होता है क्या नहीं। और ये अभी हमारे अर्जुन जी और ये पीछे कुछ टेनिस और क्रिकेट के ग्राउंड हैं। हमने अपनी बाइक वहाँ खड़ी की है, वहाँ पीछे बारिश आ गई फिर एकदम भाग के आना पड़ा यहाँ पूरे ग्राउंड में। देखो ग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी फैसिलिटी लग रही है यहाँ पे। अब सूर्य देवता और इंद्र देवता कुछ मेहरबानी करे, बारिश रुके तो हमारी जंप के लिए हम जाएं। झटका फील होता है ये? रोप कैच करेगा ना तो हल्का जर्क आएगा। इतना भी आना भाई, जब आप जंप करेंगे ना तो कोई भी चीज होता है जब कैच करता है ना अपनी तरफ खींचता है तो हल्का सो बॉडी में लगता हो गया वो ना होता है ना, तभी तो उन्होंने आपके पैरों पहले ही बोला माइनर होता है वो, उसमें जर्क में नहीं आता वो। टी आर ए जे सर आपकी रियल सूट होगी आप उसके फोटो के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? स्लॉट बुकिंग जी, एक मिनट भाई आगे चला आर यू अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ड्रग्स? दोनों करते दोनों करते सब दोनों करते ए सब दोनों करते ना, प्रेग्नेंट है क्या तू? आर यू प्रेग्नेंट? तो दोनों करते कर है रे ये सर यहां सर अपना है ये भाई तो मुझे नहीं मिला था काउंटर पे नहीं होगा अप्रूवल होती है कि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर इंटरनेशनल बंजी करते हैं या किसी लॉन्ग हाइट पे जाते हैं जंप करने के लिए तो वो आपसे पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं जंप करी है तो वो सर्टिफिकेट काम आता है वहाँ पे। जैसे आप ऋषिकेश जाएगा तब करेगा। अच्छा ये ड्रोन DJI का है क्या? अच्छा वो क्लियरिटी अच्छा है बहुत। हाँ 1080 सुनील जी टॉप क्वालिटी का ही है सर। ये फॉर्म के लिए अब कोई लीव जाए क्या? हम आपके पास नहीं है अभी, आप वहाँ हमें सिंह की तरफ से सर ये स्टेप्स लेंगे आप। गिर गए हैं ना, दिखे अगर नहीं भाई से फिर नहीं लूज है हम ले जाने और पॉकेट एम्प्टी है सर। जंपिंग करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना, ये इसमें कोई आपको मेडिकल कंडीशन लाइक ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट कंडीशन बाकी नीचे दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस है। अभी तो भैया कोविड के चक्कर में कम हो गया होगा ना? नहीं कम कर रखा है हमने। अच्छा क्राउड नहीं चाहिए ना,
हाँ क्राउड में फिर दिक्कत हो जाएगी, किसी ने ज़्यादा होती है सर, कंप्लेन कर देंगे तो फिर नहीं, कंप्लेन भी करेंगे और जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चीज़ है सर आपकी सेफ्टी और हमारी खुद की सेफ्टी दोनों इसमें वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। और अभी का सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा असली कोरोना हुआ है, पहले था लास्ट ईयर। आपका नाम क्या है सर? सर रवि। आप वहाँ पे मिस्टर अंशुल से मिलिए। अंशुल ओके संदीप भाई ऑल द बेस्ट, आप करो उसके बाद फिर आने वाले समय हम भी ट्राई करेंगे। और ये भाई चल दिए हैं ऊंचाइयों की तरफ, और ऊंचाई ये है, ये बंजी जंपिंग की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे दो लोग और हैं और ये हार्नेस एरिया है। प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो कर रहे हैं, तो बस 60 मीटर इसकी जो हाइट है नीचे से। ये रहा, इसी लिफ्ट पे ये लोग ऊपर जाएंगे। ये आ गया उड़न खटोला, आई मीन लिफ्ट आ गया है। और ये उड़न खटोला इनको लेके चल दिया ऊपर, और ये धीमे 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 वो साइड रख जाएंगे। ये वो देखो अभी आधा रास्ता और बचा हुआ है, आधा तो पार कर लिया है, आधा बाकी है। ये वो रोप है जिसके ऊपर ये क्लाइंब करेंगे, जंप करेंगे सॉरी, और ये पहुंच गया ऊपर। एक दो तीन चार, ये क्या हो गया भाई, जान निकल गया। पर नेक्स्ट जंप मिस्टर संदीप का है,
देखो उतारने का तरीका। हाँ भाई कैसा लगा? क्यों मैं सीधा ही कूद गया ना? नहीं नहीं सही था बिल्कुल। सुरक्षा के जैकेट मजा आया भाई, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक बार तो जरूर करना चाहिए, ठीक है? ऊपर बैठे बैठे जब तक तो ठीक था, जब जैसे जंप का नंबर आया ना तब भी ठीक लगा। जैसे उसने खड़ा किया ना और नीचे देखा, भाई साहब एकदम फट के हाथ आ गए मेरी तो। अभी जो बैठ के हंस रहे हैं इनकी भी बारी है, अभी जो हंस रहे हैं ऊपर तक। तो वो जो दो दोस्त थे ना उसमें से एक तो चलो कूद गया, कुछ नहीं। दूसरे वाला बोला मैं तो कबड्डी करने वाला हूँ, फिर ऊपर उसने समझाया। अच्छा। नहीं भाई ऐसे नहीं, मेरे को लगा यार कुछ नहीं, जंप वंप तो होता है पहाड़ पे भी तो जाते रहते हैं, पैराग्लाइडिंग भी की है, लेकिन जब यहाँ पे खड़े होकर नीचे देखना पड़ता है तब दिल दहल जाता है भाई, फिर नहीं सोच में आता, फिर तो ये लगता है कि बस कुछ ना कुछ हो ना जाए। एक बार हाइट दिखाओ, क्या हाइट ऊपर की भाई? ये पूरा 60 मीटर है मतलब। और नीचे अर्जुन भाई सच्ची बता रहा, जैसे वो नहीं कहते ऊपर से छोटे छोटे सा दिखते पूरी बैठा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने लॉक वॉक लगा कर जंपिंग के लिए किया ना भाई साहब, ऐसा लगा कि गए काम से, बस गए काम से। और मेरे को लग रहा मैंने थोड़ी जंप भी थोड़ी वैसे कर दी, मतलब बढ़िया थी जंप, ऐसे आना चाहिए था, और वो मैं एकदम यूँ सीधा कूद गया, तो थोड़ा उसमें आज हो सकता। बाकी ये आ गए भाई जंपिंग करके, अगली बार जरूर करनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम भी।